सभी, अनवी से तुम कुछ नहीं कहोगी क्योंकि ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारी गलतफहमी है। जो कुछ भी तुम सोच रही हो ना वो सरासर झूठ है। काश मैं आपको बता पाती कि सभी झूठ नहीं बोल रही थी। तू मुझे सिर्फ इतना बता देना कि वो झूठ है या सच। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से अनवी सब कुछ अपने अंदर दबाए बैठी हुई है और उसे कभी मौका नहीं मिला हमें से किसी को कुछ भी बताने का? या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि उसे अपनी फैमिली पे भरोसा नहीं है, हम पर ही भरोसा नहीं है? अरे अनवी तो छोड़ो, हम सब ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है क्या जो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें से किसी को कुछ तो पता होता, कुछ तो दिखाई देता, कुछ तो महसूस होता। हुआ नहीं ना, तो अब बताओ कैसे पॉसिबल है ये? क्यों सभी जब भी तुम कुछ बोलती हो बखेड़ा ही खड़ा होता है? बाकी सब तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार ना तुम अपनी हद पार कर रही हो, याद रखना। आपका मतलब है मैं बखेड़ा खड़ा करती हूँ? सर आपको क्या लगता है मुझे शौक है लोगों की नजरों में बुरा बनने का या उनकी डांट खाने का? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, अपने मन से बनाकर नहीं बोलूंगी मैं। क्या मिलेगा मुझे इस तरह का झूठ बोल के? सर अनवी की घबराहट, उसका डर, ये सब आप लोग इग्नोर कैसे कर सकते हो? और इतना गिरा हुआ सोचते हो आप मेरे बारे में? मैं ये सब क्यों करूंगी? अनवी मेरी दुश्मनी है जो उसके बारे में मैं ये सब बोलूंगी? सर ये मज़ा बराबर और से देखिए, ये है मेरी बेटी अनवी। क्या आप लोगों को लगता है किसकी मानसिक हालत खराब है, कैसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? तो बोलना मला। जरूरत है, और जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ना उसे और सदमा पहुंचा रहे हैं आप, और ऐसे तो उसे 100% साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अनवी के अंदर सिर्फ ये एक सदमा नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी जिसका जिक्र इसने आज तक कभी किसी के साथ नहीं किया होगा। अरे कौन से सदमे की बात कर रही है तू? कुछ बातें ऐसी होती है जिसका जिक्र इंसान कभी भी खुद नहीं कर पाता, बस अपने अंदर दफन कर लेता है, फिर हर रोज हर पल उसके बारे में सोच सोच के वो घबराता रहता है, डरता रहता है। अपने परिवार वालों से भी नहीं शेयर कर पाता वो, और तब उसे एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। वो आपको एक साइकियाट्रिस्ट ही बता पाएगा। प्लीज मेरी बात मानिए, अनवी बहुत ज्यादा परेशान है, उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, शायद तब आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। और उसके बाद आपको मेरी बातें बेकार की बातें नहीं लगेंगी, लेकिन प्लीज मेरी बात मानिए, अनवी को हेल्प की जरूरत है। एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाइए प्लीज। तू होती कौन है हमारे घर की बेटी के बारे में हम ही को बोलने वाली?